हैं तो सभी लोग बात करते हैं। देखिए वोट वोट लेकर ये लोग हमारी जिस तरीके से हमें एक प्रोपेगेंडा पहना देते हैं कि हिंदूवाद, हमें लोगों को यूज किया जाता है कि हम हिंदू हैं। अगर हम हिंदू हैं तो दलित समाज के लोग और चंद्रशेखर आजाद भाई भी तो हिंदू हैं। कितने आरएसएस के, बजरंग दल के, शिवसेना के कितने संगठन उनके समर्थन में उतरे। अभी आप क्या कहिएगा? देखिए मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। देखिए जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद जी पर कायरतापूर्ण सातिना तरीके से जो जानलेवा हमला हुआ है वो बहुत निंदनीय है। इसमें जो पूरा संरक्षण कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए अभी आपने कहा कि जिस समुदाय से हमें लोग हमलावर आते हैं, देखिए हम किसी विशेष समुदाय को टारगेट नहीं करना चाहते। जिस समुदाय से हमें व्यक्ति चिन्हित हुए, वे चुनिंदा व्यक्ति हैं, हम उनका विरोध करते हैं, हम पूरे समाज का विरोध नहीं करते हैं। जिस तरीके से अगर हम क्षत्रिय समाज की बात करते हैं तो उस समाज से अर्जुन सिंह और मंडल कमीशन को लागू करने वाले वीपी मंडल साहब भी हैं, लेकिन हमारी जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई है हम आइडियोलॉजिकल लड़ाई को लड़ते हैं। हम किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ हो सकते हैं लेकिन किसी विशेष जाति और समुदाय के खिलाफ नहीं है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का यही नारा है कि हम सबका साथ और सबका विकास और सबके साथ में लेकर चलने वाला काम करते हैं। हम किसी भी तरीके की कोई हिंसा दिखाना नहीं चाहते। जिस तरीके से बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पर हमला हुआ है और उनके पास में किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है, ये बहुत निंदनीय है। देखिए अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, जिनका भारत देश में किसी रत्ती भर भी कोई समर्थन नहीं रहा, रत्ती भर भी कोई उनका भारत के लिए कोई योगदान नहीं रहा, उन लोगों को आज जेड प्लस सुरक्षा वही पड़क से भाई किसके लिए? और ये तो चंद्रशेखर आज़ाद जी पर जो हमला हुआ है ये तो बहुत निंदनीय है ही। पूरे देश के अंदर दलित समाज के लोगों को टारगेट कर अभी आप देख लीजिए मध्य प्रदेश के अंदर, अभी आप देख लीजिए आप मणिपुर के अंदर किस तरीके से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को नंगा नाच किया जा रहा है। और कहाँ गई वे महिलाएं जो संसद के अंदर बैठकर बोलती है कि मैं महिला बाल विकास मंत्रालय से हूँ, और अब वे कहाँ चले गई? अगर काश मैं उन मंत्री से पूछना चाहता हूँ जो मंत्री कहती थी वो जब 450 रुपये का देश में सिलेंडर था तो वे रोने के लिए आ जाती थी दिल्ली के जंतर मंतर पर कि सिलेंडर तो भाई महंगे हुए, अब 1200 का सिलेंडर, अब कहाँ गई वो महिलाएं? देखिए आपके माध्यम से हम ये कहना देना चाहते हैं जो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ये बड़े भाई चंद्रशेखर जी का आगाज है, ये आगाज नहीं, एक यहाँ क्रांति उत्पन्न होगी। और ये क्रांति अभी जिस तरीके से 2024 के मद्देनजर चुनाव को देखते हुए अभी आप देख रहे होंगे एनडीए और इंडिया का जो गठबंधन बना है उसमें दलित समाज और मुस्लिम समाज का कोई नेतृत्व नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे इंडिया के तमाम तरीके के पॉलिटिकल पार्टियों ने, क्या किसी ने दलित समाज के लोगों को उन्हें सम्मिलित करने का काम किया? क्या मुस्लिम समाज की कोई पार्टी को लेने का काम किया? अरे इस तरीके से तो हम दलित समाज के लोगों के साथ में इस तरीके तो एट्रोसिटी होती रहेगी। हमारी बात ना तो एनडीए करता है ना इंडिया करता है, इसलिए हम अपने दलित वोट के टाइम तो सभी लोग बात करते हैं, आप बोलते हैं कोई नहीं बात करता, वोट का टाइम तो सभी लोग बात करते हैं। देखिए वोट वोट लेकर ये लोग हमारी जिस तरीके से हमें एक प्रोपेगेंडा पहना देते हैं कि हिंदूवाद, हमें लोगों को यूज किया जाता है कि हम हिंदू हैं। अगर हम हिंदू हैं तो दलित समाज के लोग और चंद्रशेखर आज़ाद भाई भी तो हिंदू हैं। कितने आरएसएस के, बजरंग दल के, शिवसेना के कितने संगठन उनके समर्थन में उतरे। अभी आप देख लीजिए मध्य प्रदेश के अंदर एक शुक्ला समाज का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के ऊपर उसके मुँह पर पेशाब कर देता है, उसके खामियाजा कौन भुगतने का काम करता है? ये बहुत निंदनीय है। सरकार को इसको संज्ञान में लेकर इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के हम दिल्ली के जंतर मंतर से ये मांग करते हैं कि उन्हें वाई प्लस या जेड प्लस सुरक्षा देकर उनकी सिक्योरिटी को मजबूत करें। इस बार